दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, मनोरंजन से भरपूर कहानी है। क्योंकि दोस्तों, हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी कोई स्टोरी लाऊँ जहाँ पर कहानी सुन के आपको मज़ा आए, उसमें मनोरंजन हो, उसके अलावा आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिले। तो जो आज की स्टोरी है, इसमें आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसके अलावा उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ डॉग्स लाइफ। यहाँ डॉग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की, लाइफ मतलब जीवन। आ डॉग्स लाइफ मतलब एक कुत्ते का जीवन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले, तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेवरल स्ट्रे डॉग्स सैट आउटसाइड द स्वीट शॉप होपिंग दैट सम काइंड पर्सन वुड गिव दैम समथिंग टू ईट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से वाक्यों को पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। सिट मतलब बैठना, और सेकंड फॉर्म है सैट, SAT। और आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? सेवरल स्ट्रे डॉग्स, सेवरल मतलब कि कई, अनेक अनेक या कई सारे, जो कुत्ते। स्ट्रे का मतलब आवारा, मतलब कई आवारा कुत्ते सैट आउटसाइड द स्वीट शॉप, मतलब कि मिठाई की दुकान के बाहर बैठते थे, होपिंग इस चीज़ की उम्मीद करते हुए दैट कि सम काइंड पर्सन, मतलब कोई दयालु आदमी, कोई दयालु व्यक्ति वुड गिव देम समथिंग टू ईट, वो मतलब कोई दयालु व्यक्ति उन्हें कुछ खाने को देगा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कई आवारा कुत्ते मिठाई की दुकान के बाहर बैठते थे इस उम्मीद में, इस आशा के साथ कि कोई दयालु व्यक्ति उन्हें कुछ खाने को देगा। दे वैग्ड देयर टेल्स एंड लुक्ड फ्रेंडली वेन एवर एनी वन वॉकड बाई। दोस्तों, यहाँ दे का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये प्लूरल नाउन है, और जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं, चाहे वो कोई लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, यदि उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग, और ये प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर एक से अधिक कुत्तों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ दे का प्रयोग किया गया है। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। WAG वैग का मतलब हिलाना होता है, सेकेंड फॉर्म है वैग्ड। दे वैग्ड देयर टेल्स मतलब वे, देयर मतलब अपनी, उनकी, तो यहाँ इसका मतलब है अपनी, वे अपनी पूछों को हिलाते, एंड लुक्ड फ्रेंडली और वो मिलनसार लगते, वेन एवर जब भी, एनी वन वॉकड बाय मतलब जब भी वहाँ से कोई चल के जाता, तो वो अपनी पूँछ को हिलाते और वो मिलनसार लगते। और दोस्तों, फ्रेंडली को आप नोट कर सकते हैं, फ्रेंडली मतलब मिलनसार। चलिए आगे देखिए। वन डे तेनाली रमन केम टू बाय स्वीट्स एट द शॉप। और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है आना, और ये सेकंड फॉर्म है। और जब हम दूसरी वर्ब को जोड़ना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद हमें टू लगाना है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वन डे एक दिन तेनाली रमन केम टू बाय स्वीट्स एट द शॉप मतलब एक दिन तेनाली रमन मिठाई खरीदने दुकान पर आए, केम टू बाय स्वीट्स एट द शॉप। ही सॉ द डॉग्स आउटसाइड एंड बींग आ काइंड पर्सन ही पेटेड वन ऑफ दैम ऑन द हेड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सी मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सी की, सॉ, SAW। तो इसे आप सा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कई लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो आपको इसको सा नहीं पढ़ना है, आपको इसे सॉ पढ़ना है। ही सॉ द डॉग्स आउटसाइड,
और उन्होंने कुत्तों को बाहर देखा एंड बीइंग अ काइंड पर्सन, और एक काइंड पर्सन मतलब एक दयालु व्यक्ति होने के नाते, और दोस्तों काइंड को आप नोट कर सकते हैं, काइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदार दयालु, उसे काइंड कहा जाता है, और एक बीइंग अ काइंड पर्सन मतलब एक दयालु इंसान, दयालु व्यक्ति होने के नाते, दयालु इंसान होने के नाते, ही पैटेड वन ऑफ देम, दोस्तों पैट मतलब थपथपाना, ही पैटेड वन ऑफ देम ऑन द हेड मतलब उन्होंने उनमें से एक के सिर पर थपथपाया, ऑन द हेड मतलब सिर पर। द डॉग इमिडिएटली वैग्ड हिज टेल, इमिडिएटली मतलब तुरंत, जो कुत्ता था उसने तुरंत अपनी पूँछ हिलाई एंड फॉलोड तेनाली रमन, फॉलो मतलब होता है किसी के पीछे जाना, सेकेंड फॉलोड, फॉलोड तेनाली रमन, और वो तेनाली रमन के पीछे चला गया। आगे देखिए, एज जैसे कि तेनाली रमन वेंट इंटू द शॉप, और जैसे ही जो तेनाली रमन थे वो दुकान के अंदर गए, वेंट इंटू द शॉप, द डॉग वेंट इन, इन मतलब अंदर, द डॉग वेंट इन, जो कुत्ता था वो अंदर चला गया, आफ्टर हिम उनके पीछे पीछे, एंड एंड स्टूड अराउंड, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, एंड स्टूड अराउंड, और वो आसपास पास में खड़ा हो गया, लुकिंग अप देखते हुए, एट हिम मतलब उनको देखते हुए वो पास में खड़ा हो गया, होपफुली क्या मतलब हुआ कि वो अंदर चला गया और वो उनको उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ खड़ा हो गया। चलिए आगे देखिए, द ऑनर वॉज नॉट इन द शॉप वैन तेनाली रमन केम इन, क्या अर्थ हुआ द ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक, द ऑनर वॉज नॉट इन द शॉप, जो मालिक था वो दुकान में नहीं था, वैन तेनाली रमन केम इन, जब तेनाली रमन अंदर आए, जब जो तब वो दुकान का जो मालिक था वो दुकान में नहीं था, बट लेकिन ही केम रनिंग, और दोस्तों कम रनिंग मतलब होता है भागते हुए आना, और ये सेकेंड फॉर्म आप इसे नोट कर सकते हैं, बट ही केम रनिंग इन, और इन मतलब अंदर, बट ही केम रनिंग इन, लेकिन वो भागता हुआ अंदर आया, केम रनिंग इन सडनली मतलब अचानक भागता हुआ अंदर आया, थ्रू द डोर, थ्रू द डोर मतलब कि दरवाजे से, विद अ लार्ज पैकेट ऑफ फ्रेश स्वीट्स, विद अ लार्ज पैकेट ऑफ स्वीट्स मतलब ताज़ा मिठाइयों के बड़े पैकेटों के साथ वो दरवाजे से अंदर आया, भागता हुआ अंदर आया। चलिए आगे देखिए, आई न्यू इट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये नो की सेकेंड फॉर्म है, नो मतलब जानना, पता होना, सेकंड फॉर्म में न्यू, आई न्यू इट मतलब मैं ये जानता था, आई सॉ यू कम इन मतलब मैंने आपको अंदर आते हुए देखा, तेनाली रमन तो उसने क्या कहा कि मैंने तेनाली रमन आपको अंदर आते हुए देखा, दैट्स वाई आई केम रनिंग, और इसी कारण, इसी वजह से मैं भागता हुआ आया, यू मे बी अ बिग मैन इन द कोर्ट, कोर्ट मतलब दरबार, और आप दरबार में एक बड़े इंसान हो गए, एक बड़े आदमी हो गए, श्रीमान सर्व श्रीमान, बट लेकिन आई हैव हर्ड, लेकिन मैंने सुना है स्टोरीज़ ऑफ योर ट्रिकरी एंड प्रैंक्स, तो उसने क्या कहा, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और हियर मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म में हर्ड, तो उसने क्या कहा, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज़ ऑफ योर ट्रिकरी एंड प्रैंक्स, लेकिन मैंने आपकी जो प्रैंक्स हैं और जो आपकी ट्रिकरी मतलब जो चालबाजी की जो कहानियां हैं उनके बारे में मैंने सुना है, वॉट आर यू डूइंग इन माई शॉप, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वॉट आर यू डूइंग इन माई शॉप, आप मेरी दुकान में क्या कर रहे हो। चलिए आगे देखिए, आई हैव कम टू बाय स्वीट्स ऑफ कोर्स, और दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद वी ई है जिसका अर्थ होता है हैव, तो आप इसे देख के कन्फ्यूज ना हो, इसका मतलब हैव है, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है क्योंकि यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, साथ में दूसरी वर्ब लगाई गई है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है तो पहली वर्ब के बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तो पहले आपको टू लिखना है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और दोस्तों ऑफ कोर्स का मतलब है बिल्कुल, ज़रूर, बेशक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई हैव कम टू बाय स्वीट्स ऑफ कोर्स, मतलब ज़रूर या कहते हैं बेशक मैं मिठाई ख़रीदने आया हूँ। वाई एल्स वुड एनी वन कम टू योर शॉप, मतलब वाई एल्स वुड एनी वन कम टू योर शॉप, मतलब कोई भी आपकी दुकान पर और क्यों आएगा। आज तेनाली रमन, तेनाली रमन ने पूछा, स्माइलिंग एट द शॉपकीपर, मतलब दुकानदार पर मुस्कुराते हुए तेनाली रमन ने पूछा कि कोई भी और क्यों आएगा, मतलब कोई भी आपकी दुकान पर और क्यों आएगा। चलिए आगे देखिए, आई एम श्योर, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, यू आर अप टू सम ट्रिक, कि आप कोई भी, मतलब आप कोई ट्रिक या कोई चाल जो है वो आजमा रहे हो, या द अदर, या मतलब कोई ना कोई। तो उसने क्या कहा, आई एम श्योर यू आर अप टू सम ट्रिक और द अदर, मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ, मतलब कि आप कोई ना कोई चाल, मतलब यहाँ पर चाल अपना रहे हो या चाल को तो आजमा रहे हो। एंड यू हैव ब्रॉट योर डॉग ऑल्सो, और आप अपने, और दोस्तों ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, एंड और यू हैव ब्रॉट योर डॉग ऑल्सो, और ऑल्सो मतलब भी, और आप अपने कुत्ते को भी लाए हो, इन टू माई शॉप, मेरी दुकान के अंदर। हाउ डेयर यू ब्रिंग दैट मिजरेबल फ्ली रिडन डॉग इनसाइड, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ पर फ्ली रिडन को आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फ्ली का मतलब होता है पिस्सू, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खून पीते हैं उन्हें फ्ली कहा जाता है, रिडन मतलब लदा हुआ, लगा हुआ, तो उसे रिडन कहा जाता है। तो उन्होंने, उसने क्या कहा दुकानदार ने, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्रिंग दैट मिजरेबल, मिजरेबल मतलब दयनीय, मतलब इस दयनीय पिस्सू लगे हुए कुत्ते को अंदर लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। हु गेव यू परमिशन, आपको आपको परमिशन मतलब कि आपको आज्ञा किसने दी। शाउटेड द शॉपकीपर, जो दुकानदार था वो चिल्लाया। चलिए आगे देखिए, वेट ए मिनट, एक मिनट रुको, हु सैड दिस इज़ माई डॉग, मतलब किसने कहा ये मेरा कुत्ता है। ही सिट्स आउटसाइड योर शॉप एवरी डे, मतलब ये है आपकी दुकान के बाहर हर रोज़ बैठता है। डोंट यू रिकॉग्नाइज हिम, और दोस्तों रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, और आप इसे नोट कर सकते हैं, डोंट यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम इसे नहीं पहचानते हो। रबिश, क्या बकवास है, आई केम रनिंग बिकॉज आई सॉ हिम फॉलोइंग यू इन टू द शॉप, तो उसने क्या कहा कि आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया क्योंकि आई सॉ हिम फॉलोइंग यू इन टू द शॉप, क्योंकि मैंने इसे आपके पीछे दुकान में आते हुए देखा। इफ, यदि, ही इज फॉलोइंग यू, यदि आपका पीछा कर रहा है या आपके पीछे आ रहा है, देन ही इज़ योर डॉग, फिर ये आपका कुत्ता है, एंड यू आर हिज मास्टर, और आप इसके मालिक हो। एंड यू आर हिज मास्टर, और आप इसके मालिक हो, अदरवाइज वरना ही वुड नॉट फॉलो यू, वरना ये आपका पीछा नहीं करेगा। रीजन द शॉपकीपर, रीजन मतलब, और दोस्तों रीजन मतलब होता है कारण, वजह, और यहाँ पे इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है तर्क देना। रीजन्ड द शॉपकीपर, दुकानदार ने तर्क दिया। यू एक्चुअली बिलीव दैट, यू एक्चुअली बिलीव दैट एनी वन हु इज फॉलोड इज द मास्टर, क्या अर्थ हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको असल में मतलब कि आप मानते हो, आप इस चीज़ पर विश्वास करते हो कि दैट एनी वन, कि कोई भी, हु इज़ फॉलोड, जिसका पीछा किया जाता है, इज़ द मास्टर, वो मालिक होता है। एंड द वन हु फॉलोज इज़ द सर्वेंट, एंड द वन हु फॉलोज इज़ द सर्वेंट, और जो पीछा करता है वो नौकर होता है। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो तेनालीराम ने उनसे, दुकानदार से क्या कहा कि आपका ऐसा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का पीछा किया जाता है तो वो मालिक होता है, और जो पीछा करता है वो नौकर होता है। चलिए आगे देखिए, हाउ सिली यू आर, आप कितने मूर्ख हो, सैड तेनालीरमन, तेनालीरमन ने कहा। चलिए आगे देखिए, इट्स नॉट सिली, मतलब ये बेवकूफ़ी की बात नहीं है। आर्ग्यूड द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने बहस की। इट्स द ट्रूथ, ये सच है। इज़ दैट सो, क्या ऐसा है। इन दिस केस, तो फिर इस मामले में, लेट मी आस्क यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ पूछने दो। द डॉग फॉलोड मी, मतलब कि कुत्ते ने मेरा पीछा किया, मेरे पीछे आया। सो आई एम द मास्टर, इसलिए मैं मालिक हूँ।
यस दैट्स राइट, हाँ ये सही है। एंड देन, और फिर यू केम इन, फिर यू केम इन, फिर आप अंदर आए, फॉलोइंग द डॉग, कुत्ते का पीछा करते हुए। डज दैट मीन, क्या इसका ये मतलब है, द डॉग इज़ योर मास्टर, कि जो कुत्ता है वो आपका मालिक है। बिकॉज, क्योंकि, यू फॉलोड हिम, क्योंकि तुमने उसका पीछा किया, तुम उसके पीछे आए। सैड तेनाली रमन, तेनाली रमन ने कहा, बस्टिंग इन टू लाफ्टर, बहुत तेज़ हंसते हुए तेनाली रमन ने कहा। द अदर कस्टमर्स ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और जो दूसरे अन्य कस्टमर थे, ग्राहक थे, वो भी इस हंसी में शामिल हो गए। ज्वाइन मतलब शामिल होना, और जो दूसरे अन्य ग्राहक थे वो भी इस हंसी में शामिल हो गए। द शॉपकीपर लुक्ड वेरी शेपिश, और दोस्तों शेपिश का मतलब होता है लज्जित, झेंपू, उसे शेपिश कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, जो दुकानदार था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लज्जित दिखा। ओके ओके, मतलब ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मतलब मुझे दुख है, आई एम सॉरी। कम आउट, बाहर आओ, यू सिली एनिमल, तुम मूर्ख जानवर, बाहर आओ। ही सैड, उसने कहा, कैरिंग अ स्वीट टू टैम्प्ट द डॉग, और दो टैम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, और तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और मतलब एक कैरिंग अ स्वीट, एक मिठाई को कैरी ले जाते हुए, टू टैम्प्ट द डॉग, कुत्ते को ललचाने के लिए, टू कम आउटसाइड, उसको बाहर लाने के लिए, तो उसने क्या कहा कि बाहर आओ। दैट डे, उस दिन, द डॉग्स हैड अ फीस्ट, और वो जो कुत्ता था उसकी दावत हो गई। फीस्ट मतलब दावत। चलिए तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी, साथ में फ़नी भी लगी होगी। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो तेनाली रमन थे, उसने उस दुकानदार को उसकी ही बातों में उलझा दिया और उसको वहाँ मूर्ख बना दिया। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। मैं आपको दो वर्ड्स दूंगा जिनका प्रयोग करके आपको दो वाक्य बनाने हैं, और साथ में उन्हें कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलिए, आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है शीपिश। दोस्तों, शीपिश एक एडजेक्टिव है, जैसा मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई है। इसका मतलब है लज्जित, झेंपू, उसे शेपिश कहा जाता है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए, अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दोस्तों, LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। और दोस्तों, ये जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है, और आपको उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस तरह से मैंने आपको दो वर्ड दिए हैं, शीपिश जो एडजेक्टिव है, और लाफ्टर जो कि एक नाउन है। तो आप अकॉर्डिंगली दो वाक्य बनाएं और इनका यूज़ करें, और साथ में आप इन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।